वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम ओवरहेड लाइन के एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के प्रश्न को हल करेंगे। यह चैप्टर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ईडीडी फर्स्ट एंड ईडीडी सेकेंड के सिलेबस में है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ओवरहेड लाइन के एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक 11 केवी सिरोपरि लाइन मतलब ओवरहेड लाइन के लिए आवश्यक सामग्री की गणना कीजिए और आने वाली लागत भी बताइए। यदि उसकी लंबाई 1 किलोमीटर, मध्यमान पार्ट 100 मीटर, मध्यमान पार्ट का मतलब होता है स्पान, दो खंभों के बीच की दूरी को ही हम स्पान कहते हैं, तो मध्यमान पार्ट का मतलब स्पान जो कि 100 मीटर है, दोनों खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है, स्तंभ मतलब पोल 11 मीटर लंबा तथा लाइन चालक मतलब जो कंडक्टर यूज़ किया गया है उसकी जो साइज़ है वो 6/1 × 2.79 mm ACSR है। ACSR मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, हमने ACSR कंडक्टर प्रयोग किया है। तो ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको 1 किलोमीटर लंबी 11 केवी की ओवरहेड लाइन बिछानी है और जो पोल्स लगाए हैं इन पोल्स के बीच की दूरी 100 मीटर है और ये जो पोल्स हैं उन पोल की लेंथ 11 मीटर है और जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो 6/1 × 2.79 mm ACSR कंडक्टर है। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, तो यहाँ भी हम उन्हीं स्टेप्स का यूज़ करके ही प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एजम्पशन, पूर्वानुमान। तो पहला एजम्पशन है लाइन एक सीधी रेखा में है। लाइन आपको बिछानी है तो आप कोशिश करेंगे कि लाइन हमारी एक सीधी रेखा में रहे, ठीक है, और सीधी रेखा में लाइन को बिछाने में हमें सुविधा रहेगी, उसीलिए हम लोग लाइन को एक सीधी रेखा में बिछा रहे हैं। ओके, दूसरा एजम्पशन है हमारा लाइन का पहला और अंतिम पोल टर्मिनल पोल है जो कि यच टाइप है। तो जो लाइन हम लोग बिछा रहे हैं उसका जो पहला पोल होगा और जो आखिरी पोल होगा वो टर्मिनल पोल होगा। अब टर्मिनल पोल कैसा होगा? एच टाइप होगा। टर्मिनल पोल कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, एच टाइप पोल होता है हमारा बेसिकली, तो टर्मिनल पोल इसी तरीके का होता है। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा, हमने 8SWG का अर्थ वायर यूज़ किया है। ओके, अर्थ वायर का यूज़ हम लोग बेसिकली सर्ज से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है 11 मीटर लंबा स्टील ट्यूबलर पोल का यूज़ किया गया है। ओके, स्टील ट्यूबलर पोल कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, बस इस जो ट्यूबलर पोल है इसकी जो लंबाई है वो 11 मीटर है। ओके, तो स्टील ट्यूबलर पोल कुछ इसी प्रकार का होता है। एजम्पशन में हमें लगभग इतनी चीज़ों की ज़रूरत थी तो हमने इतना अज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पोल्स मतलब पोल की संख्या निकालना, कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने में कितने पोल की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लाइन अपॉन लेंथ ऑफ स्पान, ओके, प्लस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पोल्स निकालने का, मतलब लाइन की लंबाई बटे दो खंभों के बीच की दूरी मतलब स्पान प्लस 1। तो यहाँ पर
प्रश्न में जो लाइन की लंबाई है वो 1 किलोमीटर दिया हुआ है, हमें 1 किलोमीटर लंबी लाइन बिछानी है। तो 1 किलोमीटर को हमने यहाँ मीटर में चेंज कर लिया है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और जो लेंथ ऑफ स्पान है, मतलब जो स्पान दिया है प्रश्न में, वो 100 मीटर दिया हुआ है। ओके, मतलब दो खंभों के बीच की दूरी को ही हम लोग स्पान कहते हैं, और ये स्पान 100 मीटर दिया हुआ है, और प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 11। क्या आएगा हमारा? 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें प्लस 2 करेंगे। प्लस 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एजम्पशन में हमने माना है कि लाइन का पहला और आखिरी पोल टर्मिनल पोल है, जो कि यच टाइप है। तो यच टाइप पोल बनाने के लिए, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा, हमें 2 पोल्स की आवश्यकता होगी। तो पहला पोल तो 1 पोल था ही, वहाँ पर हमें एक और पोल लगाना पड़ेगा, और आखिरी पोल में भी एक पोल रहेगा, तो वहाँ पर हम एक और पोल लगाएंगे, तब जा करके एच टाइप पोल बनेगा। तो हमें 2 पोल एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, उसीलिए यहाँ पे हमने प्लस 2 किया हुआ है, और लिख भी दिया है कि पहला और अंतिम पोल एच टाइप है, इसलिए यहाँ पर 2 पोल एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ओवरऑल जो पोलों की संख्या निकल करके आएगी वो आएगी 13। तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने के लिए हमें 13 पोल की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हम लोग पोल की संख्या निकालते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बनाना। इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में 11 पोल लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और पहला और आखिरी पोल जो है वो टर्मिनल पोल है, तो यहाँ पर हमें एक और पोल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी एक और पोल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पोल लगा करके नहीं, इस तरीके से बना करके हम लोग ये डिनोट करते हैं कि ये हमारा टर्मिनल पोल है। तो यहाँ पर ये बनाने का मतलब जो पहला पोल है और जो आखिरी पोल है वो टर्मिनल पोल है, ठीक है, एच टाइप यहाँ हमने लिख भी दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। और 2 पोलों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर, जिसको हम लोग स्पान कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अर्थिंग प्रदान करेंगे। अर्थिंग कैसे करते हैं? आप सब जानते होंगे कि हर चौथा पोल ओवरहेड लाइन में हर चौथा पोल अर्थेड होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो टर्मिनल पोल होता है हमारा, उसको अर्थेड करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर जो पहला पोल था, मतलब यहाँ जो टर्मिनल पोल था, उसको हमने अर्थिंग प्रोवाइड करा दिया, और जो आखिरी पोल था उसको हमने अर्थिंग प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद हर चौथा पोल अर्थेड होता है, ओके। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे पोल को हमने क्या कर दिया, अर्थेड कर दिया। अब यहाँ के बाद जब हम गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा पोल अर्थेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक पोल के बाद तुरंत टर्मिनल पोल आ जाता है जो कि ऑलरेडी अर्थेड है, इसीलिए हमने इस पोल को ना करके इस पोल को कर दिया, ठीक है, कि इधर भी इक्वल, मतलब ये इक्वालिटी के लिए हमने 8वें पोल को अर्थेड कर दिया है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से अर्थिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर किस टाइप की अर्थिंग की गई है, आप सब जानते होंगे अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं। अर्थिंग बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, क्वायल अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, ठीक है। तो लकड़ी के पोल, पीसीसी पोल तथा आरसीसी पोल के लिए हम क्वायल अर्थिंग करते हैं, मतलब लकड़ी के पोल, पीसीसी पोल तथा आरसीसी पोल के लिए हम लोग क्वायल अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल, स्टील पोल, सब स्टेशन, स्विच गियर या किसी मेटेलिक पार्ट को या स्विच यार्ड को, इन सबको हम लोग प्लेट या पाइप अर्थिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टील ट्यूबलर पोल यूज़ किया है, तो इसके लिए हम लोग प्लेट या पाइप अर्थिंग का प्रयोग करेंगे।
तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लेंथ ऑफ ओवरहेड कंडक्टर, ओवरहेड कंडक्टर की लेंथ को फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करते हैं, हम 1 किलोमीटर की लाइन बिछा रहे हैं तो 1 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 1000। 11 kV की लाइन बिछा रहे हैं जिसमें 3 वायर होंगे, मतलब 3 फेज होंगे RYB, तो यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि 3 फेज होते हैं, तो 1000 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 5% एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं, ड्यू टू सैग, क्योंकि हमें सैग भी तो रखना होता है, उसलिए हम लोग 5% एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3150 मीटर। ओके, इसी तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ अर्थ वायर निकाल लेंगे। अर्थ वायर हमारा कहाँ लगता है, जो सबसे पोल्स पर जो सबसे टॉप की वायर होती है हमारी, वो अर्थ वायर होती है, ठीक है। 8SW का GI अर्थ वायर हम लोग यूज़ करेंगे। अब अर्थ वायर एक ही होता है और 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो 1000 × 1, क्योंकि एक ही वायर है और 5% एक्स्ट्रा, तो ये हमारा आ जाएगा 1050 मीटर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाना। तो चलिए हम लोग लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाते हैं। तो हम लोग लिस्ट ऑफ मटेरियल बना लेंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, इस तरीके से हम लोग लिस्ट ऑफ मटेरियल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल पोल पर लगने वाले सभी मटेरियल्स को लिख लेंगे। ओके, तो टर्मिनल पोल पर जो सबसे पहला मटेरियल होगा वो होगा हमारा 11 मीटर लॉन्ग स्टील ट्यूबलर पोल। ओके, क्योंकि ये एच टाइप पोल है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग टर्मिनल पोल को लिख रहे हैं। तो शुरुआती के टर्मिनल पोल पे टर्मिनल पोल हमारा वहाँ 2 खंभे लगेंगे, और अंतिम पोल हमारा टर्मिनल पोल है तो वहाँ पर 2 खंभे लगेंगे, तो टोटल 4 खंभे लगेंगे। तो 11 मीटर लॉन्ग स्टील ट्यूबलर पोल हमारा 4 लगेगा, जिसका प्राइस 3000 रुपये होता है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 पोल का दाम आ जाएगा 12000 रुपये। ओके, मतलब पहला और आखिरी पोल हमारा टर्मिनल पोल है, मतलब हमने एच टाइप पोल यूज़ किया है, तो वहाँ पर शुरुआत में 2 पोल और अंतिम में 2 पोल लगेंगे, इसलिए 4 पोल लग रहे हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दूसरा मटेरियल है हमारा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या होता है हमारा, क्रॉस आर्म क्लैंप क्या होता है और ब्रेसिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर हम टर्मिनल पोल पे क्रॉस आर्म की बात करेंगे तो ये क्रॉस आर्म होता है हमारा, टर्मिनल पोल पे हमारा ये जो लगा हुआ है क्रॉस आर्म, ये होता है हमारा। ओके, और क्रॉस आर्म क्लैंप क्या होता है, तो इस क्रॉस आर्म को इन दोनों पोलों पर फिक्स करने के लिए हम लोग क्लैंप का यूज़ करते हैं, क्लैंप की सहायता से ही इस क्रॉस आर्म को लगाया जाता है। और ब्रेसिंग क्या होता है, ब्रेसिंग हमारा जो पोल्स के ऐसे क्रॉस होकर के लगता है, इसी को हम लोग ब्रेसिंग कहते हैं। एच टाइप पोल पर 2 ब्रेसिंग लगती हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो टर्मिनल पोल पर हमारा जो क्रॉस आर्म लगेगा उसकी जो लेंथ होती है वो 2 मीटर होती है। ओके, तो पहले टर्मिनल पोल पर एक क्रॉस आर्म और आखिरी के टर्मिनल पोल पर एक क्रॉस आर्म, तो टोटल 2 क्रॉस आर्म हो गए। ये 300 का आता है तो 600 रुपये। और क्रॉस आर्म क्लैंप कितना लगेगा, 4 लगेगा। पहले टर्मिनल पोल पर 2 पोल हैं तो वहाँ पर एक इस साइड एक इस साइड, और जो आखिरी पोल है टर्मिनल पोल वहाँ पर भी 2 क्लैंप लगेंगे, एक इस पोल पर एक इस पोल पर, तो टोटल 4 क्लैंप लगेंगे, ठीक है। ये 50 का आता है तो 200 रुपये हो जाएगा। और ब्रेसिंग, तो पहले टर्मिनल मतलब जो पहला टर्मिनल पोल है वहाँ पर 2 ब्रेसिंग्स लगेंगी और आखिरी के पोल पर 2 ब्रेसिंग्स लगेंगी, तो टोटल 4 ब्रेसिंग्स लगेंगी, ये 150 का लगभग आएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम
तो 600 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल जो हमारा टर्मिनल पोल पर लगेगा वो 11 kV डिस्क इंसुलेटर विथ क्लैंप, 11 kV डिस्क इंसुलेटर लगेगा हमारा। तो पहला और आखिरी पोल टर्मिनल पोल है, तो पहले टर्मिनल पोल पर 3 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे और आखिरी टर्मिनल पोल पर 3 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे, तो टोटल 6 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे। ये लगभग 120 रुपये का आएगा, तो टोटल 720 रुपये पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा, 11 kV पिन इंसुलेटर विथ क्लैंप। ओके, डिस्क इंसुलेटर की जस्ट ऊपर पिन इंसुलेटर लगेगा हमारा, ये भी कितना लगेगा, 6 लगेगा। 3 पिन इंसुलेटर पहले टर्मिनल पोल पर और 3 पिन इंसुलेटर आखिरी टर्मिनल पोल पर लगेंगे। ओके, ये 100 रुपये का आएगा, तो 600 रुपये हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से लगता है। ये हमारा डिस्क इंसुलेटर लगा है और यहाँ पर पिन इंसुलेटर लगा हुआ है। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा जम्पर वायर। तो एक पहले टर्मिनल पोल पर 3 जगह जम्पर वायर लगेंगे और आखिरी के टर्मिनल पोल पर 3 जगह जम्पर वायर लगेंगे, और एक जगह जम्पर वायर लगभग 2.5 मीटर का लगता है, तो टोटल 6 जगह लग रहा है। तो 2.5 का हम लोग 6 जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15 मीटर आ जाएगा। जम्पर वायर बेसिकली ACSR कंडक्टर ही होता है, जो कि 10 रुपये पर मीटर आएगा, तो ये 150 हो जाएगा। ओके, जम्पर वायर आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े टावर्स में देखा होगा, तो यहाँ पर टर्मिनल पोल पर भी जम्पर वायर यूज़ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट मटेरियल है आपका अर्थिंग क्लैम्प। अर्थिंग क्लैम्प अर्थ वायर को जोड़ने के लिए लगेगा, फिक्स करने के लिए। तो अर्थिंग क्लैम्प कितना लगेगा, 2 लगेगा। ठीक है, एक पहले टर्मिनल पोल पर और एक आखिरी टर्मिनल पोल पर, ये 30 रुपये का आता है, तो 60 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टे सेट। स्टे सेट क्या होता है, जो खंभे को सपोर्ट प्रदान करता है। स्टे सेट कुछ इसी प्रकार का होता है, इसी तरीके से दिखता है। ये हमारा खंभा है, खंभे के इस साइड हमारा लगता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्टे सेट। स्टे अरेंजमेंट में लगभग 5 प्रकार से किया जाता है। सिंगल वायर स्टे अरेंजमेंट, डबल वायर स्टे अरेंजमेंट, स्टे आउट रिंगर अरेंजमेंट, फ्लाइंग स्टे अरेंजमेंट और पोल टाइप स्टे अरेंजमेंट। सिंगल वायर स्टे अरेंजमेंट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी पोल से 90 डिग्री बनाते हुए 3 लाइन वायर निकले हों। डबल वायर स्टे अरेंजमेंट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन स्टार्ट या फिनिश हो रही हो। स्टे वायर के बीच का जो एंगल होता है उसे 60 डिग्री रखते हैं, तथा लाइन से प्रत्येक स्टे वायर का जो एंगल होता है वो 150 अंश का होता है। स्टे आउट रिंगर अरेंजमेंट का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जगह की कमी होती है, जैसे सिटीज़ में। ओके, और फ्लाइंग स्टे अरेंजमेंट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर टर्मिनल समाप्त हो रहा होता है। तो यहाँ टर्मिनल पोल पर हमने डबल वायर स्टे अरेंजमेंट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा 5 mm एल्युमिनियम कनेक्शन वायर। अब ये क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्शन वायर मतलब किसी चीज़ को बांधने के काम आता होगा। कनेक्शन वायर का प्रयोग हम लोग इंसुलेटर से जब कंडक्टर्स को ले जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग इस कनेक्शन वायर से कंडक्टर और इंसुलेटर को बखूबी बांध देते हैं, जिससे कि कंडक्टर हमारा इधर उधर मूव ना करे। जैसे हवा चले, आंधी चले, तो इसकी वजह से हमारा कंडक्टर इधर उधर मूव ना करे। इसकी जो साइज़ होती है वो 5 mm की होती है,
और एक इंसुलेटर पर जो फेज वायर या कंडक्टर वायर या SESR कंडक्टर जो गए होते हैं इंसुलेटर से, एक इंसुलेटर पर उसको बांधने के लिए लगभग 3 मीटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर टोटल 12 जगहों पर बांधना पड़ेगा। अब 12 जगह कैसे? तो जो पहला पोल हमारा टर्मिनल पोल है और आखिरी पोल टर्मिनल पोल है, तो पहले टर्मिनल पोल पर हमने 3 डिस्क इंसुलेटर और 3 पिन इंसुलेटर लगाए हैं, मतलब टोटल 6 इंसुलेटर पहले टर्मिनल पोल पर हो गए और 6 इंसुलेटर आखिरी टर्मिनल पोल पर हो गए, तो टोटल 12 इंसुलेटर हो गए। तो 12 इंसुलेटर पर फेज वायर को बांधने के लिए हमें 5 mm एल्युमिनियम कनेक्शन वायर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लोग 3 मीटर लगेगा एक इंसुलेटर पर बांधने के लिए, तो इसको हम लोग 12 जगह बांधेंगे तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा, तो लगभग 36 मीटर लगेगा और ये 2 रुपये पर मीटर आता है, तो टोटल ये 72 रुपये का पड़ेगा। नेक्स्ट मटेरियल लगेगा हमारा बारबेड वायर, जिसे हम फेंसिंग वायर भी कहते हैं। ये हमारा एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है, ठीक है। बारबेड वायर मीन्स कंटीला तार, एक खंभे पर लगभग 5 मीटर लगता है नीचे से, देखिए इसी तरीके से लगता है, ये कटीला तार है, ठीक है। तो यही होता है हमारा बारबेड वायर। तो दोनों टर्मिनल पोल्स पर हम लगाएंगे, पहला टर्मिनल पोल पे एच टाइप पोल है तो यहाँ पर 2 पोल हो गए और 2 पोल आखिरी में हो गए, तो 4 पोल हो गए, तो चारों पोलों पर 5-5 मीटर लगेगा, तो टोटल 20 मीटर लगेगा बारबेड वायर। ये 2 रुपये पर मीटर आता है, तो इसका जो कॉस्ट हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाएंगे डेंजर बोर्ड विथ क्लैंप। डेंजर बोर्ड आप लोग जानते होंगे, ये हम लोग 2 लगाएंगे पहले टर्मिनल पोल पर और आखिरी टर्मिनल पोल पर, एक एक, ये 40 रुपये का आता है, तो ये 80 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी मटेरियल यहाँ तक था, ये सिर्फ टर्मिनल पोल के लिए था, टर्मिनल पोल पर इतने मटेरियल लगेंगे। अब तक हमने टर्मिनल पोल की बात कर ली जो कि पहला और आखिरी पोल था। अब हम टर्मिनल पोल्स के बीच में जितने भी पोल लगे हैं उन मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा मटेरियल है हमारा 11 मीटर लंबा स्टील ट्यूबलर पोल, जो कि नॉर्मल पोल है टर्मिनल पोल के बीच वाले पोल्स, मतलब ये वाले पोल्स। हमने अभी तक टर्मिनल पोल्स की बात की, मतलब पहले पोल और आखिरी पोल की बात की, इन दोनों पोल्स को ही टर्मिनल पोल कह रहे थे, और यहाँ पर जो भी मटेरियल लगेंगे हमने उनकी बात की अभी तक। अब हम लोग बीच के पोल्स की बात करेंगे और इन पर जो मटेरियल लगेंगे उनकी बात करेंगे। तो बीच में कितने पोल लगेंगे? 9 पोल लगेंगे, क्योंकि टोटल पोलों की संख्या 13 थी और पहला और आखिरी पोल टर्मिनल पोल जो कि एच टाइप था, तो एच टाइप पोल बनाने के लिए 2-2 पोल की आवश्यकता होती है, तो 4 पोल निकल गए 13 पोल में से, तो कितने पोल बच गए? 9 पोल बच गए। अब ये 9 पोल बीच में लगेंगे और एक पोल 3000 का आता है, तो टोटल 27000 का पड़ जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा क्रॉस आर्म। अब ये सब सिंगल पोल हैं, जो ये बीच में जो 9 पोल लगे हैं ये सिंगल पोल हैं, इन पर जो क्रॉस आर्म लगेगा उसकी जो लेंथ होगी वो 1.5 मीटर होगी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये हमारा लगा हुआ है क्रॉस आर्म, ये सिंगल ट्यूबलर पोल है हमारा और ये क्रॉस आर्म लगा हुआ है। तो ये क्रॉस आर्म अभी कितने लगेंगे? 9 लगेंगे और एक क्रॉस आर्म लगभग 250 रुपये का आएगा, तो टोटल 2250 के आएंगे। अब इन क्रॉस आर्म को हम कैसे लगाएंगे? तो क्लैंप की सहायता से लगाएंगे। तो क्रॉस आर्म क्लैंप हमारा ये भी 9 लगेगा, क्योंकि 9 क्रॉस आर्म थे, ये 50 रुपये का आएगा और
तो टोटल 450 का पड़ जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा 11 kV पिन इंसुलेटर विथ क्लैंप। अब ये जो 9 पोल्स थे इनके ऊपर हमारा पिन इंसुलेटर रखता है, 11 kV की लाइन बिछा रहे इसलिए 11 kV का पिन इंसुलेटर लगाएंगे क्लैंप की सहायता से। एक खंभे पर 3 पिन इंसुलेटर लगेगा क्योंकि 3 फेज की लाइन है इसलिए 3 पिन इंसुलेटर लगेंगे। तो टोटल कितने खंभे हैं, 9 खंभे हैं, तो टोटल कितने पिन इंसुलेटर लगेंगे, 27 लगेंगे। और ये पिन इंसुलेटर हमारा 100 रुपये का आता है तो 2700 रुपये हो जाएगा। ओके, जो बीच के खंभे हमारे, उन एक खंभे पर 3 पिन इंसुलेटर लगेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मटेरियल लगेगा हमारा एफ क्लैंप। ये कितना लगेगा, 9 लगेगा और ये आता है 40 रुपये का, तो टोटल हो जाएगा 360 रुपये। अब ये एफ क्लैंप कहाँ लगता है, एफ क्लैंप कुछ इस प्रकार का होता है। हम एक खंभे पर 3 पिन इंसुलेटर लगा रहे हैं तो 2 पिन इंसुलेटर को लगाने के लिए तो जो क्रॉस आर्म हम लगाते हैं उस पर इन पिन इंसुलेटर को लगाने की व्यवस्था होती है, लेकिन जो तीसरा पिन इंसुलेटर लगता है वो तो खंभे पर लगता है और जो पोल है हमारा वो स्टील ट्यूबुलर पोल है। ठीक है, हम जो प्रश्न में जो यूज़ किया है वो स्टील ट्यूबुलर पोल है। तो अब इस पोल पर हम उस पिन इंसुलेटर को कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले उस पोल पर हम लोग यफ टाइप का क्लैंप लगाते हैं, मतलब यफ क्लैंप लगाते हैं और उसके बाद हम उसमें पिन इंसुलेटर लगाते हैं। समझ गए आप? तो यफ क्लैंप कितना लगेगा, बीच में टोटल 9 खंभे हैं तो 9 यफ क्लैंप लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा ACSR कंडक्टर, जिसकी साइज प्रश्न में दी हुई है 6/1 × 2.79। अब ये ACSR कंडक्टर कितना लगेगा, तो हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर निकाला था 3150 मीटर। ये लगभग 10 रुपये पर मीटर आता है, ये टोटल हो जाएगा 31,500। ओके, नेक्स्ट मटेरियल है हमारा 8SWG GI अर्थिंग वायर। ओके, तो ये कितना लगेगा, ये भी हमने निकाला है 1050 मीटर। ठीक है, ये 3 रुपये पर मीटर आएगा तो 3150 हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल हमारा लगेगा 5 mm एल्युमिनियम कनेक्शन वायर। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, इंसुलेटर्स पर कंडक्टर को बांधने के लिए, इंसुलेटर पर जो फेज वायर गए होते हैं उनको बांधने के लिए कि हमारा जो फेज वायर है वो इधर उधर खिसके नहीं, गिरे नहीं। ठीक है, तो एक इंसुलेटर पर लगभग 3 मीटर बांधने के लिए लगता है। अब टर्मिनल पोल पर तो हमने उसके अलग मटेरियल लिख लिए थे, अब बीच में कितने खंभे बचे थे, 9 खंभे बचे थे, तो एक खंभे पर हम 3 पिन इंसुलेटर लगा रहे हैं, एक खंभे पर हम लोग 3 पिन इंसुलेटर लगा रहे हैं तो टोटल 27 पिन इंसुलेटर हुए। तो 27 पिन इंसुलेटर पर हमें एल्युमिनियम कनेक्शन वायर को ज़रूरत होगी, जो फेज वायर गए होंगे RYB उनको बांधने के लिए, और एक इंसुलेटर पर लगभग 3 मीटर लगेगा। तो 27 इंसुलेटर पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 81 मीटर आएगा, ये 2 रुपये पर मीटर मिलता है तो टोटल 162 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल आपका बारबेड वायर, वही कटीला तार, एक खंभे पर नीचे से लगभग 5 मीटर लगता है, टोटल 9 खंभे हैं तो 45 मीटर लगेगा, ये भी 2 रुपये पर मीटर आता है तो 90 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लगेगा अर्थिंग वायर क्लैंप, क्योंकि हम हर खंभे से तो अर्थ वायर लेके जाएंगे ना, तो उसी लिए हमारा अर्थिंग वायर क्लैंप लगेगा। कितना लगेगा, 9 लगेगा और ये 30 रुपये का लगभग आता है तो 270 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे, अर्थिंग सेट। ठीक है, हमने अर्थिंग कितनी जगह की हुई थी, 4 जगह अर्थिंग की हुई थी। ठीक है, और एक अर्थिंग सेट हमारा 1500 का आता है तो 4 अर्थिंग सेट हमारे 6000 के आएंगे।
ये देखिए हमने चार जगह अर्थिंग की हुई है, इसीलिए चार अर्थिंग सेट लग रहे हैं। नेक्स्ट मटेरियल लगेगा हमारा डेंजर प्लेट विथ क्लैम्प। तो 9 खंभे हैं बीच में, तो 9 पे लगेगा, 30 रुपये का एक आता है तो 270 रुपये। नेक्स्ट मटेरियल है आपका कॉन्क्रीटिंग ऑफ पोल्स। अब भाई पोल्स की कॉन्क्रीटिंग भी तो करेंगे स्टोन पैड लगाकर, कुछ इस तरीके से हम लोग पोल्स की कॉन्क्रीटिंग करते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोद करके और इस तरीके से हम लोग पोल्स की कॉन्क्रीटिंग करते हैं। खंभों को खड़ा करने के लिए सबसे पहले हम लोग नींव खोदते हैं। नींव खोदने के बाद हमें खंभों को नींव में खड़ा करना होता है। इसके लिए निम्न दो विधियों का प्रयोग करते हैं, खंभे को खड़ा करने के लिए निम्न दो विधियों का प्रयोग करते हैं, डेरिक पोल मेथड और डेड मैन पोल मेथड। जो भारी खंभे होते हैं उनको हम लोग डेरिक पोल विधि से खड़ा करते हैं, तथा जो हल्के खंभे होते हैं उनको डेड मैन विधि के द्वारा खड़ा करते हैं, और उसके बाद हम लोग उस खंभे की कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। तो टोटल हम कितने खंभों की कॉन्क्रीटिंग करेंगे? 13 खंभों की, क्योंकि टोटल 13 खंभे थे और एक खंभे की कॉन्क्रीटिंग करने में लगभग 150 से 200 रुपये आएगा, तो हमने यहाँ 150 लिखा हुआ है। तो टोटल 13 खंभे की कॉन्क्रीटिंग करने में 1950 रुपये लगेगा। फिर नट बोल्ट वॉशर, ये हम लोग आवश्यकता अनुसार ले लेंगे 50 से 100 रुपये तक का। और हमारा लास्ट मटेरियल लगेगा लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर कितना लगता है? 1 लगता है, और ये कितने का आएगा? 4000 रुपये का। तो ये हमारी टोटल मटेरियल लिस्ट बनकर तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट वाले कॉलम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब हम इस कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। तो ये लगभग कितना आएगा? ये आएगा आपका 97,724 रुपये। कितना आएगा? 97,724 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसका लेबर कॉस्ट, इसका इमरजेंसी कॉस्ट, इसका सुपरविज़न कॉस्ट निकाल करके सभी को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगा कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने में कितना खर्च आएगा। तो हम लोग लेबर कॉस्ट कितना निकालते हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट का? 15%। कितना निकालते हैं? 15% निकालते हैं लेबर कॉस्ट का। लेबर कॉस्ट 15% निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट का। या हमने मटेरियल कॉस्ट का 15% निकाल लिया है, तो ये इतना आ गया है। अब हम लोग इमरजेंसी कॉस्ट निकाल लेते हैं। इमरजेंसी कॉस्ट हम लोग टोटल मटेरियल कॉस्ट का 5% निकालते हैं, तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, ये इतना आ गया है। फिर हम लोग सुपरविज़न कॉस्ट निकालते हैं, 10% होता है, तो हमने ये निकाल लिया है, तो ये इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट और सुपरविज़न कॉस्ट, ठीक है। तो सभी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो इतना आएगा, लगभग 1,27,041.2 रुपये। तो 1 किलोमीटर लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने के लिए 1,27,041 रुपये की लागत आएगी, जो कि 11 kV की लाइन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब ओवरहेड लाइन हम लोग बिछाते हैं, तो जब रोड क्रॉसिंग पड़ता है, रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है या टेलीकम्युनिकेशन क्रॉसिंग पड़ता है, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके?